आइए देखते हैं दिनभर। गोरखपुर के यातायात अधीक्षक आदित्य प्रकाश वर्मा द्वारा गोरखपुर के ऑटो चालकों में आईडी कार्ड व वर्दी का वितरण किया गया। इस दौरान बताया गया कि अब सभी ऑटो चालक आईडी कार्ड व वर्दी धारण करके ऑटो चलाएंगे। आईडी कार्ड में चालकों की सारी व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन रहेगी जो कि यातायात कार्यालय में भी दर्ज रहेगी। इससे ऑटो की सवारी करने वाले लोग भी ऑटो चालक को पूरी तरह से पहचान सकेंगे। साथ ही कुछ ऊंच नीच होने पर उनके खिलाफ कार्यालय से एक्शन भी लिया जा सकेगा। गोरखपुर में यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने में यातायात अधीक्षक व उनकी टीम द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। दो जोड़ी दे रहे हैं कि आप वैसा पहनो। ब्रिज किशोर श्रीवास्तव, ब्रिज किशोर श्रीवास्तव। पिताजी का नाम क्या आपका? श्री राम सूरज। चलिए एक मिनट, अभी सब मत खोलो, अजय कुमार गुप्ता को पहनिए, पहन के हमेशा चलिए ऐसे, यहाँ पे शाम के जैसे ला दिए, ये रहेगा ऐसे। मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सलीम, नवनाथ, गोविंद भारती, रुको रुको रुको, जिसको मिल गया, अफा हुसैन, नंदलाल, दिनेश राय, नंदलाल मौर्य। हम यहां पर खड़े हैं गोरखपुर के यातायात यानी कि ट्रैफिक ऑफिस पर, और यहां पर कुछ अद्भुत हो रहा है, अनोखा हो रहा है। यहां पे दिया जा रहा है ऑटो चालकों को एक कार्ड, ये कोई मामूली कार्ड नहीं है, इसमें ब्लड ग्रुप तक ऑटो चालकों का नोट है कि कोई अगर बात होती है तो उसके ब्लड तक मुहैया हो जाए, और बाकायदे यातायात विभाग की ओर से एक यूनिक कोड भी उस पर अंकित है, नाम बाकायदे अंकित है, और साथ में वितरण हो रहा है इनको इस तरह के ड्रेस का। ये ड्रेस अभी ये लोग जाएंगे सिलवा के इसको पहनेंगे। अपने आप में गोरखपुर जैसे शहर के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इस तरह के ऑटो चालक अगर डिसिप्लिन वे में गाड़ी चलाएं तो ये केवल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही दिखाई देता है, लेकिन अगर ये गोरखपुर में हो रहा है तो अपने आप में एक नायाब चीज़ है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा जी। सर, पिताजी का नाम? सर ये बताइए किस तरह की ये कवायद है, अपने आप में बड़ी ही यूनिक चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये हम लोग यातायात कर्मियों को एक अलग पहचान देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे वो भी आम नागरिक के समान हमारे लिए सम्मानी रहें। सम्मानी तो है ही हैं वैसे, लेकिन हम लोग इनको एक यूनिक आइडेंटिटी दे रहे हैं जिससे हमारे पार्ट एंड पार्सल बनेंगे। इसमें हम सभी लोग इन लोगों को एक ट्रैफिक कार्यालय की तरफ से आईडी इशू कर रहे हैं, जिसमें इनका पूरा डिटेल अंकित है, और यदि कोई यात्री इनका डिटेल नंबर नोट करता है और हमको बताता है साहब इस ऑटो में हमारा सामान छूट गया है, इसमें छूट, तो हम लोग उसकी मदद करके उसका सामान उसके पास तक पहुँचा सकते हैं। और इसमें इन सभी लोगों का हम लोगों ने ब्लड ग्रुप भी टेस्ट कराया है, जिससे कि मतलब भविष्य में मान लीजिए इनको कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम लोग इनको ब्लड ग्रुप भी किसी आपस में मुहैया करा सकें, आपस में सब लोग एक हो सकें, एक होकर आपस में एक दूसरे की मदद कर सकें। सर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़े से ही ऑटो चालक हैं यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको अपने हाथों से आप खुद वितरण कर रहे हैं। लगभग कितने आइडेंटिटी कार्ड ऐसे बन चुके हैं? हम लोगों ने लगभग 4000 आइडेंटिटी कार्ड बनवाए हैं, क्योंकि इतनी भारी संख्या में हम लोग एक साथ वितरित नहीं कर सकते हैं, इसलिए चरणबद्ध तरीके से हम लोग एक एक करके इनको उपलब्ध कराएंगे। सर यूनिफॉर्म भी दिया जा रहा है जो अपने आप में एक तरीके का यूनिक कोड वैसे ही हो जाएगा, तो इसके बारे में क्या कहें? ये हम प्रथम 60 लोगों को हम लोग यूनिफॉर्म का कपड़ा भी दे रहे हैं और साथ में आईडी कार्ड भी दे रहे हैं हम, तो ये एक प्रोत्साहन है। हमारे सभी भाई हैं, हम सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर गोरखपुर की सेवा करें और यात्रियों को बहुत बढ़िया सुविधा प्रदान करें, लोगों को अच्छा लगे कि वो गोरखपुर में है। सर ये हमने देखा है कि आपका ऑटो चालकों से बड़ा ही एक अंतरंग संबंध है, मतलब बड़ा ही इस तरह से आप मानते हैं, वो आपको मानते हैं इस चीज़ को। आपने कहा कि आइडेंटिटी कार्ड लगा के ही चलना और यूनिफॉर्म पहन के चलना, तो इनकी क्या प्रतिक्रिया रही? सभी लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया है, सभी लोग हमारे साथ सहयोग करने को तत्पर हैं बिल्कुल, और बोल रहे हैं जैसा भी आप कहेंगे हम लोग वैसा करेंगे, जनता को सुख और सहूलियत पूरा प्रदान करेंगे। ये
अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, चूँकि गोरखपुर शहर में सीएम सिटी है और इस तरह के यातायात की अगर कवायद एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में होती है तो निश्चित रूप से समझिए कि जहां एक ओर इससे ऑटो चालकों को बहुत ही सहूलियत मिलेगी, वहीं पर आम जनता के लिए भी एक तरीके का बहुत बड़ा ये सुरक्षा हो जाएगी, क्योंकि जो आपको ऑटो से लेकर जाएगा आपके पास उसकी पूरी की पूरी कुंडली होगी। आप अगर रात में जा रहे हैं कहीं पे अकेले हैं तो आप चाहेंगे, आप अगर चाहें तो उसका ये जो आइडेंटिटी कार्ड है उसका फ़ोटो तक खींच सकते हैं और बाद में उस यूनिक कोड से उस ऑटो चालक की एक एक चीज़ें बयां हो जाएंगी। अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ सिटी वन के लिए सुनय पांडे।